अब जिस तरह सारे जानते हैं कि सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ज मेरे वालों कुछ उपराले जो 2010 तो किए जा रहे हैं कि जिन्हें साडे इतों पंजाबी बच्चे कह लो या किसी होर स्टेट के बच्चे कह लो जे कि उत्थे लेबर च काम करन जाते हैं उत्थे ईजी मनी कमाण दे विच वो गलत कामां च पै जाते हैं चाहे वह शराब का धंधा होवे सो उहदे विच फिर लड़ाई झगड़े होंदे ने डैथां हो जांदियां ने इस तरह सैकड़े जड़िया असी डैथा हो चुकिया सी उत्थे मर्डर हो चुके सी सो लोगों को फांसी सज़ा हुई सी जां उम्र कैद 40-40 साल की हुई सी उन्होंने मैं छुड़ा के लिया रहा 2010 तो जो है सिलसिला जारी सी ते अज सोहन डल जिहड़ा इत्थों जैनपुर पिंड दा ते वो अप्रोच की सी सीआर सज्जन सिंह उन्होंने मैंने फिर मैं केस नूं लड़ के उत्थे करके ते इहदा सब कुछ महफूज करा के जो ब्लड मनी पे करनी सी ब्लड मनी पे करके इस बच्चे नूं अज असीं लैके आए हां तो ये साडा इहनूं मिला के 117 बच्चे ने जिहड़े जिन्हां दीआं फांसियां माफ़ हो चुकियां ने जां जिन्हां नूं कोई उम्र कैद सज़ा सी 40-45 साल की वो भी माफ़ करा के इन्होंने बच्चों घरों घर ही बचाया इतने मैं जरूर दसन चाहूँगा कि जो बच्चे ने सारे पंजाब के नहीं है 80-85 बच्चे पंजाब के ने बाकी होर स्टेटा के बच्चे ने जा इंडिया तो बाहर चाहे श्रीलंका नेपाल है फिलीपीन है बंगलादेश है ईवन पाकिस्तान के 16 बच्चे जड़े ने उन्होंने भी फांसी सज़ा हुई थी तो उन्होंने ब्लड मनी देने तो बाद सो उन्होंने जी फांसी है वो भी माफ़ कराई गई है सो अज जो बच्चा असं लैके आए हैं ये जो लड़के की डैथ हुई थी सो वो फैमिली को असं मिलने जा रहे हैं सो उन्होंने तीन लड़कियां है एक लड़का वह सो लड़कियों के नाम के ट्रस्ट वालों जो सा एक स्कीम चलती है कि असी पेंशन स्कीम असी लगाते हैं सो वो जी पेंशन हैगी अज असी दो तीन दिन के उन्होंने पैसे फिक्स करके एज के हिसाब से लावे कि जो शादी होंगी लड़की की तो ये पैसे उन्होंने कम हो सकन सो ये पेंशन स्कीम साड़ी चलती आ रही है तो ये अगे एक भी जारी रहेगी इस तरह डेड बॉडियां साड़ियाँ तकरीबन 249 डेड बॉडियां आ चुकिया ने हुण तक सो उन्हां विच भी असीं यही रखिया कि घर की कंडीशन देखते हैं कि जिहड़ा बच्चा कमाण गया सी कि पिछों उन्होंने सोर्स की हैगा इनकम का जमीन किन्नी हैगी उन्हां दी जो देखते भी कुछ नहीं है तो बच्चिया छोटिया ने फिर असं उन्होंने भी इस तरह किसी ने 2 लाख किसी ने 4 लाख किसी ने 5 लाख जी है वो असं उन्होंने फिक्स डिपोजिट करते हैं 8-8, 10-10, 12-12 साल लिता जो वो पैसा उदों ही निकले जो इस लड़की की शादी होएगी हूँ जे पेंशन की गल अस कर आए हैं जिन्हें भी हूँ तक देखो साढ़े पंजाब के जिन्हें शहीद हुए हैं साढ़े कुछ चाहे वह कारगिल के हुए हैं चाहे साढ़े उतों होर भी कई शहीद जो हुए BSF के हुए हैं जो उन्होंने भी असं घर जाके तो जिन्हें भी 21 के करीब साढ़े जे जो है जो शहीद हुए ने उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये महीना जी पेंशन है वो ला दी किसानों की देखो हम अज चल रहा सारा काम एक मैं गल जरूर दसनी चाहाँगा जी कि असी पिछले हफ्ते असी पास किया वाला कि टोटल तकरीबन सब जानते हैं कि 650 के करीब जो किसानों की डैथा हो चुकिया ने असी एक फॉर्म बनाए हुए थे सारे मैं उत्थे अनाउंस करके आया से जाके तकरीबन दसंबर महीने में स्टेज पर अनाउंस किया कि जो किसान शहीदियां प्राप्त कर चुके हैं असं उन्होंने ट्रस्ट वालों 10-10 हज़ार रुपये महीना पेंशन लवेंगे उदों ही पेंशन लाती उदों 11 जो किसान शहीद हुए थे फिर एक फार्मूला बनाया कि जो किसान वो शहीदी उत्थे ही हुई है वह डैथ सर्टिफिकेट वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जी है उतों की होनी चाहिए है तो फिर जे भी किसान आगू है कोई भी उन्होंने उत्तर वेरीफाई कर दें कि हाँ ये बंदा इतने शहीदी प्राप्त की थी वो असं 10 हज़ार रुपये ला रहे हैं लेकिन जी दूसरी गल देख चाहिए कि जे बाकी किसान शहीद हुए हैं फिर असं टीम साढ़े गई हैं उन्होंने घर के भी असं उन्होंने हालत देखिए भी उन्होंने अगर इनकम का सोर्स की हैगा क्योंकि चाहे वह रस्ते आंदा एक्सीडेंट मर गया चाहे जाद्या मर गया चाहे घर उन्होंने हार्ट अटैक हो गया लेकिन उन्होंने वो अंदोलन गए जरूर से तो वो फिर साढ़े को हूँ जीडिया 650 के करीब सगा 52 हज़ार तो लग चुकी है पेंशन जी 10-10 हज़ार रुपए दियाँ तो कल मेरे को जी लिस्ट आ गई थी 213 बंदे की लिस्ट आ गई थी जिन्हें जिन्होंने वेरीफाई कर लिया गया कि ये घर की हालत की है सो उन्होंने असी जी किसी 1500 किसी 2000 किसी 2500 किसी 3000 रुपया उन्होंने सारे भी पेंशन ला रहे हैं और हूँ जे आने वाले होर भी जो शहीदियां हो रही उन्हों का भी सेम सिस्टम रखा अस चाहे 700 हो चाहे 800 चाहे 1000 हो जाए से असी सारे जी पेंशन ला रहे हैं जिन्हें बंदे हूँ असी किए ने सारे इन दी टीम गई हैं तो 7 घर सू यह मिले ने जिन्हों के कोल सिर्फ 4 उन्होंने ना जी इटा के थड़े बना के उत्ते तरपाला पाई हुई ने इन को इनकम सोर्स कोई नहीं है इन को जमीन कोई नहीं है इन को रहन मकान नहीं है सो ट्रस्ट ने फैसला किया कि इन्होंने 7 घरों जरा इन्होंने पक्के घर बना के देंगे आप उस तो बाद जी पेंशन थे लगनी लगनी है तो बच्चों की जिम्मेवारी जी असं आप चुके साहब इस तरह की सेवा भाव करने का पहली बार जज्बा कदों जागे जो बाहरों डेड बॉडी लिया देखो सब तो पहले 17 बंदे की फांसी माफ कराई थी 2010 की गल है बस उतों ही काम शुरू हो गया सगा उस तो बाद फिर जरा सारे जेल मेरा नंबर चल गया केस आते गए मेरे को मैं भी नाल सॉल्व करी गया सो मैक्सीम टाइम जरा सा मेरा उत्थे कोर्टा जेलों के निकलता रहा हालांकि इन्होंने जेलों में मिल के इन्हों मैं हर हफ्ते
हर बच्चे तकरीबन 100-100 दिरहम में खर्चा भी देकर आता रहा। सो यह सारा जो काम उतों शुरू होया, जिसलिए काम ज़्यादा वध गया पिंड गया, तो उस तो बाद सरबत का भला ट्रस्ट है और फिर वो फिर होंद में आया कि देखिए कि पिंड काफ़ी कुछ होने लाए। सो उस चीज़ में असं कवर करन लई फिर जो जो काम असं देखे से अज 26-27 जे काम ने चाहे दस्या कि लैबोरेटरीज खुल रही ने, डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं, ज अखा के कैंप लग रहे हैं, जो पेंशन स्कीम है, ज एजुकेशन दिया जो असं इन्ने बच्चे अडोप्ट किए हुए हैं। हूँ तक 9,500 बच्चा असं अडोप्ट किया हुआ हायर स्टडी का, जिन्हों साडे हर यूनीवर्सिटी तो 100-100 बच्चा असं हर साल लैंदे हैं। कुछ कॉलेजेस है जिदा मोदी कॉलेज हो गया, इन्हों तो असी 100-100 बच्चा जरा हर महीने असी जरा हर साल जरा असी अडोप्ट करते हैं। पेंशन की गल करिए, बुढ़ापा पेंशन है, विडो पेंशन है, मेडिकल पेंशन है, ये तकरीबन 13,000 तो उत्ते जी साड़ी पेंशन है, ये भी साड़ी हर महीने। चर्चा भी चल रही है कि राजनीतिक दल से तुहाडा चेयर सीएम दा चेहरा भी बन सकते हो, एक चर्चा चल रही है। देखो मैं तो तुम मीडिया सारे मेरे भरा बैठे है, यह क्वेश्चन मैंने 2010 भी पूछा गया, 2011 भी पूछा, 2012 भी पूछा गया। हर साल मीडिया से गल आती है भी शायद तुहाडा जो परपज है इन्ना कुछ करन दा कि तुसी पॉलिटिक्स जाना। चर्चा चल रही मैं दस रहा जी, उदो भी यही क्वेश्चन होंदा सी, मैं उदो यह गल कहंदा सी कि मैं ना दा पॉलिटिशन हैगा, ना मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई इंट्रस्ट हैगा, ना मैं आना। अज भी चाहे पेपरों च आ रहा, टीवी आ रहा, तुसी कभी यह देखा कि मैं क्या होवे कि मैं इंट्रस्टड हाँ? मैं अज तक कहा नहीं कि मैं किसी पॉलिटिक्स जावांगा जां मैं इंट्रस्टड हैगा। बाकी कहने जो मर्जी कही चले, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, खंडन कर रहे उस बिल्कुल, मेरा कोई मेरा इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। मैं कितने नहीं कहा अज तक, आम आदमी पार्टी पहुंच साढ़े बीबा हर डिस्ट्रिक्ट साढ़े ऑफिस है, 30 ऑफिस साढ़े पंजाब है, 18 साढ़े हरियाणा है, बाकी सारिया स्टेटा मिला के साढ़े 88 ऑफिस है। तुम कभी भी जरा सू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक नंबर दिना जरा सा लैंडलाइन नंबर जरा हैड ऑफिस पटियाले का, वो है 0175-228-4170, 0175-228-4177। यह साढ़ा 9 to 5 बजे तक साढ़े ऑफिस का नंबर है। इतने किसी ने भी कॉल करनी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट वाले ने करनी है, तुम सिर्फ फोन करके कहना कि इस डिस्ट्रिक्ट का नंबर सू दे दौ। जिदा हम जलंधर अमरजोत जी बैठे, तुम मंगो कि सू जलंधर का नंबर दे दो प्रेजिडेंट का, वो तुम्हें इन्हों का नंबर देंगे। तुम मुक्तसर का ले लो, फरीदकोट ले लो, जितों भी लैना तुम्हें नंबर उतों उस वेले मिल। आम आदमी पार्टी वालों कोई संपर्क नहीं किया गया? छोड़ो, आप देखो जब मैं इंटरस्टिड ही नहीं हाँ तो फिर आप इन्हों जाने कानून, आप सेवा वाली काम करिए। देखो अज दो काम है जोड़े मैं दसना चाहना जरूरी ने, जोड़े कि मैं 4-5 साल पहले भी सरकार को कहे वो ये कि जिदा अच्छ सा सारा यूथ है, सारे आप जाने बाहर रखा जा रहा, सानू रोक पानी बहुत जरूरी है। मैं 4.5 साल पहले भी यह गल कही थी कि स्किल डिवेलपमेंट बहुत जरूरी है। साड़ियाँ ITI सारिया बंद पईयां ने, साडे जिहड़े कॉलेज जाओ, तुसी इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, उत्थे जिहड़ा साडा ITI विंग सी वह बंद पिया होया। मैं उदों कहा सी कि यह सारिया ITI जिहड़ियां वह साडे सरबत दे पला ट्रस्ट नूं दे दिओ, तुहाडे ते कोई पैसे का लोड नहीं पेगा, असीं इहनूं खुद चलावांगे, इंस्ट्रक्टर दी सैलरीज असीं देवांगे, बच्चों सारा चाहे वह पलंबर है, मैसन है, स्टील फिक्चर है, मकैनिक, जो भी कोर्सिस कराने हैं वो असीं खुद करावांगे। बच्चे अज साडे बाहर जाके झाड़ू फेर रहे हैं, साडे उत्थे जाके नौकरी कर रहे, टोकरी ढो रहे हैं, फिर अगे लड़ाई झगड़े, फिर अगे मर्डर, तो फिर अगे अज वह हुंदा वो असीं सारा देख रहे हैं। मैं खुद इस गल नूं देखो, एक गल मैं बड़ी साफ कहना, मैं खुद ITI की है, ITI जो करके मैं मकैनिक का कोर्स करके अगर मैं इतने पहुँच सदा तो साडा यूथ क्यों नहीं पहुँच सकता? लेकिन असी उन्होंने पहले स्किल डिवेलपमेंट करके तो असी उन्होंने कुछ बनाइए तो सही। अज मैं एक गल कहनी चाहता, देखो सरकार कोई भी आवे, ABC सरकार कोई भी आ जाए, मेरा कोई लैन देन नहीं किसी सरकार, लेकिन यह मैं जरूर मंग करता उस सरकार तो कि कोई भी सरकार बनती है जरा स्किल डिवेलपमेंट का जरा सारा सिस्टम ये तुम सरबत के भले दे दौ, असं तुहाडे ते कोई लोड नहीं पावांगे पैसे का। और मैं तुहानूं दिखावांगा तुहानूं मैं ये कि किस तरह असं यूथ नूं रोक सकते हैं, साडा यूथ बाहर नहीं भजेगा, असं इत्थे इन्वेस्ट करांगे। नौकरियों की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है, साडे घरां च लोक बाहरलियां स्टेटां तो आ के काम कर रहे हैं। अज पलंबर लैना, असं इलैक्ट्रीशियन लैना, सानूं कोई पंजाबी नहीं मिल रहा, सानूं सारे दूजियां स्टेटां दे मिलदे ने बंदे, तो सारे असीं क्यों नहीं पैदा कर सकते? सो ये सारियां ITI जिहड़ियां ये चालू होनी चाहीदियां ने, और असीं सरबत दे भले असीं इहदी जिम्मेवारी लैणी।